अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। आज हम किड साइंस ग्रेड 5 के यूनिट नंबर 7 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के कुछ और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। मूव ऑन टू पेज नंबर 66, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स। मैग्नेट्स एग्जर्ट सम मैग्नेटिक फोर्स एट द एंड एज कम्पेयर टू द मिडल। इफ यू ब्रिंग आयरन फिलिंग्स क्लोज टू अ बार मैग्नेट, यू विल ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द आयरन फिलिंग्स क्लिंग टू द टू एंड्स ऑफ द मैग्नेट, वेयर एज वेरी फ्यू फिलिंग्स क्लिंग टू द सेंट्रल पार्ट ऑफ द मैग्नेट। This indicates that the ends of a magnet exert a stronger force of attraction than the other parts of the magnet. The two ends of the magnet which have strong magnetic forces are called poles of the magnet. यहाँ पे वो आपको ये बता रहे हैं कि अगर एक मैग्नेट के पास आप कोई भी आयरन फिलिंग्स यानी कि कुछ नेल्स या कोई भी लोहे की मेटल की चीज़ आप रखेंगे और मैग्नेट को उसके ऊपर आप उसके पास लेकर जाएंगे तो उसकी जो फोर्स होगी ना मैग्नेट की वो उसके कॉर्नर्स पे उसके पोल्स पे उसके पीक पॉइंट्स पे ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द मिडिल पॉइंट ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेट के दरमियान में अट्रैक्शन जो होगी वो कम होगी और साइड्स पे ज़्यादा होगी। तो इस प्रॉपर्टी से हमें ये समझ आई कि मैग्नेट जो है ना उसकी जो पोल्स हैं उसकी जो एक्सट्रीम कॉर्नर्स हैं उन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द मिडिल। नाउ मूव ऑन टू द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट। अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट पॉइंट्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अगर आप मैग्नेट को थ्रेड से आप हैंग करेंगे तो अब हमेशा जो मैग्नेट होगा वो नॉर्थ की तरफ आपको क्या करेगा डायरेक्शन बताएगा, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन बताएगा, कभी भी साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन नहीं बताएगा। इसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए नेविगेटर्स और जो पायलट्स होते हैं वो डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं। इसकी उन्होंने आपको एक एक्टिविटी बताई है। टेक अ बार मैग्नेट एंड टाई अ थ्रेड अराउंड इट इन द सेंटर। हैंग द मैग्नेट विद द फ्री एंड ऑफ द थ्रेड एज शोन इन द फिगर। जैसे कि आपको सर डायग्राम दी है उसमें उन्होंने बताया है एक रॉड लिया है उस पर थ्रेड लगाया और नीचे उन्होंने मैग्नेट हैंग कर दिया। एक उसका नॉर्थ पोल है और दूसरा उसका साउथ पोल है। आफ्टर सम टाइम द मैग्नेट कम टू द रेस्ट। यू विल ऑब्जर्व दैट द मैग्नेट कम्स टू रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ पोजिशन। पहले आपने उस मैग्नेट को हैंग किया और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि मैग्नेट जब वो स्टिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली वो अपनी डायरेक्शन किस तरफ कर लेगा, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। इसी प्रॉपर्टी की उन्होंने एक एग्जांपल दी है जिसकी प्रॉपर्टी ये है, लाइक पोल्स रिपेल अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब ये है कि अगर मैग्नेट के एक जैसे पोल्स हैं यानी कि नॉर्थ पोल को फेस कर रहा है और साउथ पोल को फेस कर रहा है तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे बल्कि वो मैग्नेट रिपेल करेगा। लेकिन अगर डिफरेंट पोल्स आ जाए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे के सामने आए तो वो एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यानी कि लाइक पोल्स रिपेल करते हैं और अनलाइक जो एक जैसे नहीं है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह वो आपको एक और एक्टिविटी बता रहे हैं। ऑपोजिट एंड्स ऑफ अ मैग्नेट ऑलवेज अट्रैक्ट। नाउ लेट्स टेक टू बार मैग्नेट्स एंड प्लेस देम ऑन अ टेबल फेसिंग सेम पोल्स। आप वो कह रहे हैं आप एक दो मैग्नेट के पीसेस लें उनको टेबल पर रखें और उनके दोनों सेम पोल्स जो हैं वो आमने सामने रखें। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, सेम पोल्स ऑफ द मैग्नेट रिपेल व्हेन वी ब्रिंग देम क्लोजर। जो उनके दोनों सेम पोल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे जब हम उन दोनों को सामने ला रहे हैं। लेकिन अगर आप इनके डायरेक्शन चेंज कर दें, आप अनलाइक पोल्स को सामने कर दें, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल जो है आप सामने रख दें, अब आप ऑब्जर्व करें कि क्या ये मैग्नेट अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं। कीप वॉचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ।